पर सानू नहीं पता सी कि वो इंदा नहर विच ही सुट के पहले दिन ही सुट के आ गए। ताई वालों की किया गया सीगा उदो क्या से किया जा रहा है कि ताई वालों फोन किया गया सी कि असीं दरबार साहिब जा रहे हैं। दोपहर मैं वापस आ जाऊँगा जल्दी तो आके सा नाल लभन भी गए हैं पर सानू इन्ना नहीं पता सी कि वो झूठ मूठ ना लभ रहा है पर वो तो अपने नहर में सुट के आया ना। पुलिस ने ले लिया अपने को फिर उन्होंने हौली हौली दसना शुरू किया पर उस टाइम तक बेचारे की जान जा चुकी सी। तो अज 7 साल मासूम सहज की अंतिम अरदास है जिसकी कि मौत ऐतवार को हो गई सी। उसके चाचे के द्वारा उसनू मौत के घाट उतार दिता गया। मापियां ज पहला उम्मीद सी जो सहज घूमया कि उन्होंने सहज घर वापस जरूर आएगा लेकिन ऐतवार को जो उसकी बॉडी मिलती है नहर के तैरती हुई तो उन्हां दी उम्मीदां वा जिहड़ियां सारियां टुट जांदियां ने। किन्ने सपने सजाए होणगे दो भैणां दा कल्ला भरा सी ते किन्ने ख्वाब देखे होणगे मापिआं ने ते उह सारे ख्वाब ने जिहड़े टुट के चकना चूर हो जांदे ने। अज उसे सहज दी उस मासूम बच्चे दी अज अंतिम अरदास है ते परिवार वाले पहुँचे हुए ने उन्हां दे करीबी भी पहुँचे हुए ने उन्हां नाल गलबात करदे आ। सति श्री अकाल सर। सर अज सहज आ उसकी अंतिम अरदास है चाचे ताए दे वालों जिहड़ा कि ताए आ उसनू बहुत प्यार करता सी उहदे वालों ही मौत दे घाट उतार दिता गया। बहुत दुख की खबर है जी। सो असीं तां इस चीज़ नू बहुत मन भरदा समझदे जी। सर रिश्तियां च विश्वास कित्थे रह गया? हुण सफेद हो गए जी और असीं सारे इलाके वाले बहुत दुखी हैं इस वक्त। एक छोटे जिहे बच्चे नू अजकल तां बच्चे नाल प्यार ही इन्ना वा कि सोचना ही बड़ी दूर दी है। सो सहज दी सिस्टर जिहड़ी के सहज तो 9 साल वड्डी है उन्हां गलबात करदे आ। बहुत ही दुखदाई घटना जिहड़ी वापरी है जदों सहज नूं तुसीं लभदे सी उदों उम्मीद सी कि सहज लभ जूगा सहज वापस आ जाएगा। सानूं बहुत असीं 3 दिन पूरी उम्मीद नाल रहे हां कि सानूं लभ जूगा उह कित किसे दे कोल होएगा। असीं तां इन्ना भी कहा सी जे किसे कोल है जिन्ने पैसे मंगणगे असीं लै लू के असीं दे दांगे पर सानूं साडा भरा चाहीदा पर सानूं नहीं पता सी कि उह इंदा नहर विच ही सुट के पहले दिन ही सुट के आ गए। ताई वालों की किया गया सीगा उदों किया जा रहा कि ताई वालों फोन किया गया सी कि असीं दरबार साहिब जा रहे हां। असी फोन करके पूछा सी कहिंदे असी दरबार साहब जा रहे हां ते मैं हले दोपहर मैं वापस आ जाऊँगा जल्दी ते आके सा नाल लभन भी गए हैं पर सानू इन्ना नहीं पता सी कि वो झूठ मूठ ना लभ रहा है पर वो तो अपने नहर विच सुट के आया ना जी। ते फिर पता कदों लग्या कि ताए वालों ही कुछ किया गया है? कुछ समय बाद उन्होंने जो पुलिस ने ले लिया अपने को फिर उन्होंने हौली हौली दसना शुरू किया पर उस टाइम तक बेचारे की जान जा चुकी सी। किस तरह के इंसाफ की हुण मांग कर दे? असीं बस हुण यही इंसाफ करना चाहते हैं कि उन्हें कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाए। तड़फ के मरिया उस तरह तड़फ के मारे उसे तड़फ के मरना चाहिए। क्या जा रहा सहज का ताए नाल बड़ा प्यार से ताए को बहुत प्यार से वो अपने नालों वध ज़्यादा सानू ज़्यादा घट बुलाता से उन्होंने बहुत माता जी बड़ी दर्दनाक घटना वापरी है मापियां का 8 साल बच्चा जिहड़ा कि वह उन्हां तों दूर हो गया। बेटे मैं बाहर सी जदों मैं कल फेसबुक पर देखा मैं तैन दस नहीं सकती भी मेरे दिल च मैं खड़ना भी औखा हो गया भी इन्ना सियाना बच्चा गुरु घर नूं पाठ करन वाला माँ का एक पुत भैणा दो भैणा का भरा 9 साल बाद घर च पैदा होया सुखना सुख सुके उस औरत ने पाठ करना रोज़ पाठ करना और रोंदी हुंदी सी भी मेरे घर पुत दे दे और जिसकी जद ओदी होनी आई तो सुन के हैरान हो गया और रोंगड़े खड़े बोलिया भी नहीं जाता भी जिस हिसाब नाल ताए ने लिजा के किमें उन्हूं लैके गया किस तरह कीता किमें उन्हूं नहर च सुटिया तो बहुत ही माड़ा काम होया। इस तो घिनौनी घटना की हो सकती है? ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ
ਪਾਲਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਲਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ